हेलो एवरीवन, प्लांट टिश्यू कल्चर में आज हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स की। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन। हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक मींस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एसेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एनी थिंग फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर एज स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में। एसेप्टिक कंडीशन में हम उसका बचाव करते हैं कि वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पहुंच पाए। प्लांट टिश्यू कल्चर के जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो आपके लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट में किए जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को हम तीन पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टराइल मीडिया कंटेनर्स एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन, एंड थर्ड वन इज एक्सप्लांट स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टराइल मीडिया कंटेनर्स एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की। मीडिया को स्टराइल करने के लिए जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं उसमें आपका सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्लेविंग की। ऑटोक्लेव एक आपका इक्विपमेंट है और उसमें जो आपका जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है स्टीम हीट स्टेरिलाइजेशन। स्टीम मीन्स मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इट इज एज लाइक प्रेशर कुकर। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है आपका ऑटोक्लेविंग के लिए वो है आपका 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं, और जो प्रेशर होता है वो आपका 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर होता है। मीडिया के अकॉर्डिंग आपका टाइम वेरी करता है। अगर आप 20 से लेकर 50 ml मीडिया ले रहे हैं तब 20 मिनट, 50 से लेकर 500 ml मीडिया ले रहे हैं तब आपका 25 मिनट, और 500 ml से लेकर अगर आप 5 लीटर मीडिया ले रहे हैं तब आपका 35 मिनट टाइम रिक्वायरमेंट होती है। तीनों कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर सेम रहेगा 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच आपका प्रेशर रहेगा। ऑटोक्लेविंग का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो है इसकी स्पीड, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। डिसएडवांटेज इज पीएच चेंज फ्रॉम 0.3 टू 0.5 में यूनिट्स, इतना आपका चेंज आता है पीएच में। सेकंड थिंग इज केमिकल रिएक्शंस में अकर, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पाई जाती हैं आपका मीडिया में, तो ये आपके दो डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्राई स्टेरिलाइजेशन की। ड्राई स्टेरिलाइजेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसका नाम है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन आपका यूज किया जाता है ग्लास बेयर और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। ये आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पर बेस्ड है। लगभग 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 3 घंटे के लिए। तो इसका जो सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसकी टाइम, क्योंकि लगभग 3 घंटे हमको यहाँ पर स्पेंड करने पड़ रहे हैं। एक अनुमान है ऐसा, लगभग 2 आवर ड्राई हीट एट 160 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू मॉइस्ट हीट एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। तो जो काम ऑटोक्लेव 15 मिनट में कर देता है उसको करने के लिए ड्राई स्टेरिलाइजेशन को 2 घंटे लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है। प्रिकॉशंस जो आपको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में लेने हैं वो ये हैं कि इंस्ट्रूमेंट शुड बी रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको एल्यूमिनियम फॉइल से आपका अच्छे से रैप करें, उसके बाद ऑटोक्लेव में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्टर स्टेरिलाइजेशन की। कुछ ऐसे आपके हीट लेवाइल या थर्मोलेवाइल सब्सटेंस होते हैं लाइक अमीनो एसिड एंड विटामिन्स जो हीट में आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिनका। तो जब कभी हमको मीडिया में ये आपका अमीनो एसिड या विटामिन्स चाहिए तब हम आपका फिल्टर स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसके लिए फिल्टर मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनका साइज 0.22 से लेकर 0.45 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। नेक्स्ट आता है इसमें यूवी स्टेरिलाइजेशन। यूवी मींस अल्ट्रावायलेट रेस। सो जो प्लास्टिक बेयर्स होते हैं वो आपका यूवी स्टेरिलाइज किए जाते हैं, क्योंकि आपका हीट में वो मतलब आपका हीट में स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए उनको हम यूवी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। अब हम एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन कैसे रखें, मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी सारे मैनिपुलेशन वर्क हैं वो आपका लेमिनार एयर फ्लो में किए जाते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो में आपका यूवी रेज लगा होता है और आपका जो हवा होती है वो पैरेलल लाइन में चलती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए हम अल्कोहल स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं। तो जब हम आपका मैनिपुलेशन काम कर रहे हैं तो हमारे जो हाथ हैं वो भी प्रॉपर आपके असेप्टिक हों या प्रॉपर स्टराइल हों, आपके हाथों में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
उसके लिए हम हाथों को 70% इथेनॉल से वॉश करते हैं और तब आपका जो हॉट एयर जो आपका लेमिनार एयर फ्लो है उसमें काम किया जाता है। एंड लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स शुड ऑल्सो बी स्टेरिलाइज बाई एल्कोहल। तो जो लेमिनार एयर फ्लो का जो वर्क प्लेस होता है उसको भी हम एल्कोहल से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लैम स्टेरिलाइजेशन की। जो इंस्ट्रूमेंट आप लेमिनार एयर फ्लो में यूज़ कर रहे हैं उनको भी आप हम फ्लैम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले उनको 70-80% एल्कोहल से मतलब आपका डुबा दिया जाएगा, सोक कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको बर्नर से आपका फ्लेम स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। लास्ट अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मीन्स द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो एक्स प्लांट भी आपका स्टेरिलाइज होना चाहिए। एक्स प्लांट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं। तो जो केमिकल्स हैं वो आपके ये हैं, 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ किया जाता है, इसको हम कमर्शियल ब्लीच भी बोलते हैं। आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी यूज़ करते हैं, ये आपका पाउडर फॉर्म में होता है। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए लगभग 4 to 10 ग्राम सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यूज़ किया जाता है 100 ml वाटर में, और इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको आप एक्सप्लांट को डिप कर देते हैं। आप 1% ब्रोमाइन वाटर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल भी 70% यूज़ किया जा सकता है। आप 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट के लिए जो आपका एक्सप्लांट है उसको डिप करा दें, मगर ये आपका जो एल्कोहल मेथड है वो अकेले सफिशियंट नहीं है, तो इसके साथ कोई और मेथड भी आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका जो एक्सप्लांट है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए। लास्ट इज 10% हाइड्रोजन परॉक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके केमिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए मतलब केमिकल स्टेरिलाइजेशन अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।